वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के आज के आपके टेस्ट 10 में आपका स्वागत है। हमने आपके जो टेस्ट 9 था यानी टेस्ट 9 उसके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के में लिख दिए हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतने टिपिकल क्वेश्चंस के भी आंसर्स दे पा रहे हैं। आपने जरूर अपने चैनल से जो वीडियोस हमने बनाए हैं उनका आपने अध्ययन किया है, हमसे पढ़ाई की है और उसका नतीजा मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे हैं। उसकी वजह एक ही है जो मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चंस कितने भी टिपिकल बना ले, आंसर जो हमने याद किए हुए हैं वही रहेंगे। यानी कि क्वेश्चंस 1000 बना लो लेकिन आंसर्स अपना वाला ही चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 लॉस्ट स्प्रिंग का। कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, व्हाई डज मुकेश ग्रैंडमदर से सो। क्या भगवान के द्वारा जो ये हमें दिया गया है वंश परंपरा या यूं कहें रिवाज जो हमारी जाति शुरू से करती आ रही है, क्या वो कभी टूट सकता है? जो लंबे समय से पीढ़ियों से जो कार्य हम करते आ रहे हैं, वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों करती है? नंबर 2, सी स्टिल हैड बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, व्हाट डज अनीश जंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट। ये भी लॉस्ट स्प्रिंग्स है। उसके कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। अनीश जंग का ये कथन क्या आप लोगों के लिए, इसका क्या अभिप्राय है, समझाइए लॉस्ट स्प्रिंग से। नंबर 3, इंडिगो से, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप। जो कृत्रिम इंडिगो आई थी मार्केट में उसका जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक नील की फसल थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 4 है, हु वर द पीपल इन द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द इंडिगो प्रॉब्लम। जो इंडिगो नील की समस्या थी उसकी जांच करने के लिए एक अधिकृत जांच आयोग का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन लोग थे। और नंबर 5, अ रोड साइड स्टैंड से, व्हाट डू यू कंक्लूड आफ्टर रीडिंग द पोएम। ये कविता पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। व्हाट शुड द अर्बन पीपल डू फॉर द कंट्री पीपल, या कंट्री का मतलब गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के लिए शहर के लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, वही ट्रिक काम में आएगी जो हमने कॉमन वाली बना रखी है। अगर आपने रोड साइड स्टैंड पढ़ी हुई है इसकी पूरे क्वेश्चन आंसर्स, तो फिर आप इसका आंसर बहुत शानदार तरीके से बना देंगे, क्योंकि आंसर्स आप तभी देंगे जब आपको ट्रिक पता है। आंसर्स हमारे पास लिमिटेड है, क्वेश्चंस को कितने भी बना ले अपने वो आंसर्स आप लोग यूज कर सकते हैं। वीडियोज देखने के लिए पॉइंट आपको चैप्टर का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना है, मिल जाएगा। ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।